Hello everyone, this is Neha. Welcome to Indian Alexa. Hope you all are doing well. Festivals आ रहे हैं, so I thought कि आपके लिए कुछ creative ideas लेकर आऊँ. ओल्ड साड़ी को कैसे रीयूज करते हैं. ऑफकोर्स आपको कंटेंट से समझ में आ ही गया है कि हाउ टू रीयूज योर ओल्ड साड़ीज और हैवी बॉर्डर की साड़ीज है या कोई हैवी साड़ीज है आपकी जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है, जिसे आपने बहुत बार पहन लिया है, बहुत बार पहन के बोर हो चुके हैं. ऐसा हम सबके साथ होता है, लेकिन फिर भी हम उसे छोड़ना नहीं चाहते. बिकॉज बहुत सारे रीजंस होते हैं कि हम उसे छोड़ना नहीं चाहते. साड़ी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, साड़ी ब्रिशिंग है, उसकी जो चमक है एज इट इज है, तो हम उसे कैसे रीयूज कर सके, किस तरीके से और किस नए तरीके से हम उसे पहने कि वो मतलब अट्रैक्टिव लगे. और स्पेशली इन फेस्टिवल्स हमारे, जब हम कुछ नए चीजों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और इन दिस टाइम सेलिब्रेट तो हम कर रहे हैं बट उतना ज्यादा ओपनली हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, तो कुछ न्यू क्लॉथ्स में, एक्सपेंसिव क्लॉथ्स में हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते. जो हमारी पुरानी और बहुत अच्छी एक्सपेंसिव साड़ी रखी हुई है या कोई और चीज आपके पास रखी हुई है जिसे आप रीयूज करना चाहते हैं, तो आप डिजाइनिंग आइडियाज मैंने अपनी साड़ी के साथ, अपनी ओल्ड साड़ी के साथ, फेवरेट साड़ी के साथ, एक्सपेंसिव साड़ी के साथ मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. यू गाइज विल शॉक्ड कि इतनी सुंदर लग सकती है ड्रेस एक ओल्ड साड़ी को, जो कि आज से मेरी मतलब मेरी शादी को हो चुके हैं 10 इयर्स. मैंने अपनी एक कजिन की शादी में, यानी अपनी शादी से पहले जब नया नया बुखार चढ़ा था साड़ी पहनने का, तब मैंने उस साड़ी को परचेज किया था. साड़ी बहुत एक्सपेंसिव थी. दिस इज माय फर्स्ट साड़ी, मुझे ठीक से याद तो नहीं है बट आई थिंक दिस इज माय फर्स्ट साड़ी जो मैंने खुद के लिए बहुत एक्सपेंसिव इन्वेस्ट किया था. कि लिटरली उस साड़ी को सिर्फ उस कजिन की शादी में पहना. उस साड़ी के साथ आज मैंने बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है और मतलब मुझे इतने सारे कमेंट्स आए हैं बिकॉज मैंने इसकी पिक्चर्स ऑलरेडी अपने सोशल मीडिया पे अपलोड्स की और लोगों ने बहुत ज़्यादा उस पर प्यार शोर किया है. आई रियली होप कि आप लोगों को भी ये डिज़ाइनिंग आइडियाज़ पसंद आएंगे. आप भी अपनी ओल्ड चीज़ों के साथ इस तरह से रीयूज कर सकते हैं. आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा. इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है neha5auj. सारे लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी. अगर आपको ऐसे कुछ आइडियाज पसंद आते हैं और आप भी मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग से इंस्पायर्ड होकर आप खुद भी कुछ ड्रेस डिज़ाइन करवाते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो. विदाउट कैचिंग एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. आज के इस वीडियो में मैंने दो साड़ियों के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया है, जो मेरी ओल्ड साड़ीज थी उनके साथ जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है और एक बहुत ही अमेजिंग सा ड्रेस मैंने डिजाइन करवाया है, वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. उससे रिलेटेड आई थिंक आपको मैं 6 to 7 आइडियाज है कुछ जो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगी. You guys really find this ideas helpful, please thumbs up करना बिल्कुल मत भूलिएगा. So very first start करते हैं. जो मैंने अभी पहना हुआ है कुर्ता, ये एक स्ट्रेट कुर्ता मैंने बनवाया है और काफी टाइम के बाद मैंने इस तरह का हाई नेक पैटर्न इसमें रखवाया है. मैं जनरली इस तरह के हाई नेक पैटर्न नहीं पहनती हूँ, तो इस बार मैंने थोड़ा सा इसे डिफरेंट स्टाइल में सिलवाया है. तो ये मेरी एक बहुत ही ओल्ड पिक है जो आपको स्क्रीन में अभी दिख रही होगी. तो इस साड़ी से मैंने कुछ जो भी ड्रेस डिजाइन मैंने करवाए हैं वो सभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. तो वे टोटली लविंग दिस कुर्ता. इसकी फिटिंग और इसका डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया है. मैंने इसे प्लेन रखवाया है. प्लेन क्यों रखवाया है वो आगे आपको पता चल जाएगा. तो इस तरह से आप इसमें फ्रंट में आप चाहें तो कुछ बटन्स भी रखवा सकते हैं बट मुझे लगता है कि बटन थोड़े से लिटरली ओल्ड हो चुके हैं. इसको मैं बहुत तरह से पहन सकती हूँ इसलिए मैंने इसे प्लेन रखवाया है. तो आप देख सकते हो वीडियो में मैं आपको पूरा कुर्ता पहन के दिखा रही हूँ. मैंने अभी इसे वेयर किया है डार्क पिंक कलर की प्लाजो के साथ, जो कि मेरी बहुत ही फुल फ्लैट वाली प्लाजो है. तो आप इसे वेयर कर सकते हो स्ट्रेट पैंट के साथ भी वेयर कर सकते हो फुल फ्लैट वाली, जैसा कि मैंने वेयर किया है. इस तरह की प्लाजोस के साथ भी आप वेयर कर सकते हो. प्लाजो कम स्कर्ट के साथ भी आप वेयर कर सकते हो और आप एंकल लेंथ लेगिंग के साथ भी इसे पेयर कर सकते हो. फ्रंट में इसमें स्लिट है तो आप चाहें तो थोड़ा सा लो वेस्ट जींस के साथ भी आप इसे पेयर कर सकते हो. और इस तरह से आप चाहें तो अगर इसे और भी ज्यादा फेस्टिव लुक देना चाहते हैं तो इस तरह से एक दुपट्टा, जो कि आपके पास कोई हैवी दुपट्टा
लगता है क्योंकि क्योंकि सूट बहुत प्लेन है, तो इस पे कोई हैवी गोटा पत्ती का दुपट्टा, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह का कोई दुपट्टा है, तो आप उसके साथ भी इसे पेयर कर सकते हो। तो मेरे पास लाइट पिंक कलर का दुपट्टा था, तो मैंने वही इसके साथ कैरी कर लिया। अदरवाइज इस पे थोड़ा सा डार्क पिंक कलर का भी दुपट्टा होता तो वो भी बहुत सही जाता। तो इस तरह से आप इसे बहुत सारी चीज़ों के साथ मिक्स एंड मैच करके पेयर कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको फर्स्ट आइडिया, कॉमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट ड्रेस जो मैंने इस साड़ी से बनवाया, वो बनवाया मैंने इस तरह का एथनिक लॉन्ग श्रग, जो कि मैं इस कुर्ते के साथ आपको पेयर करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से इस श्रग को इस कुर्ते के साथ भी आप पेयर कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे किसी और टॉप के साथ या क्रॉप टॉप के साथ, प्लेन टॉप के साथ भी पेयर कर सकते हैं, स्कर्ट कम टॉप के साथ भी पेयर कर सकते हैं। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैंने इस कुर्ते को प्लेन क्यों रखवाया, तो मैं इसे बहुत तरह से यूज कर सकती हूँ, इसलिए मैंने इसे प्लेन रखवाया। मुझे इसे कैजुअली पहनना हो तब मैं इसे प्लेन भी पहन सकती हूँ, जब मुझे इसे फेस्टिव के हिसाब से पहनना है या किसी पार्टी के हिसाब से पेयर करना है, तो मैं इस तरह से इसे श्रग के साथ, इस तरह से इसे दुपट्टा के साथ और इस तरह से इसे प्लाजोस के साथ कैरी कर सकती हूँ। तो दिस इज माय सेकंड डिजाइन फ्रॉम दिस साड़ी। तो मैंने इस तरह का एक लॉन्ग एथनिक श्रग बनवाया। श्रग की जो लेंथ है वो फ्लोर तक है। सो ये श्रग मुझे लिटरली बहुत पसंद आया है। तो ये कैसा लग रहा है आप जरूर शेयर कीजिएगा। और इस तरह से मैंने इसको सूट पर पेयर किया तो ये काफी डिफरेंट और अट्रैक्टिव लग रहा है। फेस्टिवल इस तरह से डिफरेंट क्रिएटिविटी आप पुट ऑन कर सकते हो, काफी डिफरेंट आप डिजाइनिंग आप दे सकते हो। मतलब कुछ ऐसे मिक्स एंड मैच पेयर करके पहनोगे तो काफी डिफरेंट भी लगेंगे, काफी अट्रैक्टिव भी लगेंगे, और ये लिटरली मुझे बहुत पसंद आया है। मूव करते हैं थर्ड ड्रेस की तरफ, वो है कुछ इस तरह का क्रॉप टॉप। इस तरह का क्रॉप टॉप मैंने थर्ड इस साड़ी से बनवाया है। ये कितना अच्छा लग रहा है। अभी मेरे पास एक डार्क पिंक कलर की प्लाजो रखी हुई थी, तो मैंने उसे उसी के साथ इसे पेयर किया है। आप चाहें तो इसे कैन डार्क पिंक और पर्पल कलर की स्कर्ट के साथ भी पेयर कर सकते हो। और मैंने इस तरह की इसकी स्लीव्स रखवाई है। थोड़ा सा यहाँ पर इलास्टिकेटेड बैंड है और यहाँ पर इस तरह का डिजाइन है, तो ये बहुत बहुत प्यारी लग रही है। तो फ्रंट का नेक कुछ इस तरह से है। साड़ी में इस तरह का बॉर्डर था जिसे मैंने इस तरह नीचे रखवाया है। और बैक इसका बहुत प्यारा डिजाइनर बैक है, तो इस तरह से डीप नेक मैंने रखवाया है। और ये जो लेस थी साड़ी में, इसी को मैंने एज अ बैंड मैंने इसे यूज किया है। मैं इसे फ्रंट में भी कर सकती हूँ, और अभी मैंने इसे बैक में टाइप किया है, तो इसे आप जैसे चाहो फ्रंट में भी टाइप कर सकते हो, बैक में भी कर सकते हो। तो एज डिपेंड ऑन यू कि आप इसे किसके साथ पेयर कर रहे हो, तो आप वैसे इसे पेयर कर सकते हो। तो इसे आप शरारा के साथ पेयर कर सकते हो। मैंने अभी फुल फ्लैट प्लाजो के साथ जो मेरे पास अवेलेबल थी उसके साथ पेयर किया, और उसके साथ कितना सही जा रहा है। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इसके साथ सही जाएगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं बाद में इसके लिए कोई अच्छी सी स्कर्ट या कैन स्कर्ट खरीदूंगी जब कोई शादी होगी या फंक्शन होगा तो, लेकिन अभी इसके साथ ये बहुत सही जा रहा है, तो मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं कुछ और खरीदूं। तो इस तरह से आपके पास जो भी चीजें हो तो आप उसके साथ मिक्स एंड मैच सकते हो। तो ये देखिए काफी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप बना सकते हो, एक फुल मतलब पूरा ड्रेस बन गया। अब मैं इसके ऊपर आपको वही श्रग डाल के बता रही हूँ जो श्रग मैंने बनवाया है, जो भी मैंने कुर्ते के साथ पेयर किया था, तो वो इसके साथ मैं पेयर कर रही हूँ। और ये देखिए इतना परफेक्ट ड्रेस लग रहा है, लग रहा है ना कितना परफेक्ट ड्रेस, कोई कह ही नहीं सकता है कि आपने इस तरह की परफेक्ट ड्रेस ये साड़ी से डिजाइन की है, जो कि आपकी बहुत ही ओल्ड साड़ी है लेकिन बहुत फेवरेट है। इस साड़ी के साथ मेरी बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज जुड़ी हुई है। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, टेलर ने काफी अच्छे बनाए, फिटिंग मुझे एकदम परफेक्ट आई है। सो आई एम जस्ट लविंग द ड्रेस डिजाइन, जो कि यूज नहीं होती है, बार बार पहनने का मन नहीं करता है, बिकॉज हम एक बार पहन लेते हैं, काफी एक्सपेंसिव साड़ी है, एक बार पहन लेते हैं तो सोचते हैं कि ये रिपीट ना हो दोबारा, और स्पेशली जल्दी रिपीट ना हो, तो इसलिए ये फिर रखी रह जाती हैं। तो जैसे आप ड्रेस डिजाइन करवा सकते हो और दोबारा से उसे एक नया लुक दे सकते हो, एक नई क्रिएटिविटी कर सकते हो और दोबारा से एंजॉय कर सकते हो। जो आपकी फेवरेट ड्रेस है उसे आप दोबारा से पहन के एंजॉय कर सकते हो। सो ये था क्रॉप टॉप जो मैंने इसे बनवाया साड़ी से। सो इस एक साड़ी से मैंने ये तीन चीजें बनवाई है। एक मैंने स्ट्रेट कुर्ती बनवाई है फ्रंट स्लीव वाली, एक मैंने क्रॉप टॉप बनवाया है, और एक मैंने लॉन्ग एथनिक श्रग बनवाया। मूव करते हैं सेकेंड साड़ी की तरफ।
साड़ी से मैंने बनाया है ये फ्लोर लेंथ का अनारकली। आप देख सकते हो इसे टोटली मैंने डिफरेंट बनवाया है। इसमें मैंने यहाँ पर फ्रंट में दोनों साइड में से ओपन कट रखवाया है जो कि काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। इस ड्रेस को काफी अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। सो आप देख सकते हो काफी इसकी स्लीव्स में भी मैंने डिजाइन रखवाया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। का नेक मैंने कुछ इस तरह से वी नेक रखवाया है जो कि साड़ी में लेस थी तो मैंने उसी को इस तरह से डिजाइन करवाया है। और बैक का नेक मैंने इसका सिंपल रखा है बट उसमें मैंने डोरी का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा स्टाइलिश रखवाया है और डीप नेक मैंने रखवाया है तो काफ़ी जो है लुक अट्रैक्टिव दिख रहा है। सो ये देख सकते हो आप अनारकली काफ़ी अच्छी लग रही है। साड़ी जो थी ये दो शेड में है, पिंक एंड डार्क ब्लू। तो जो पिंक वाला पार्ट है वो मैंने चोली में रखवाया है क्योंकि वो काफ़ी अच्छा लग रहा था और वो सिर्फ पल्लू में ही था तो वो छोटा पार्ट था तो मैंने उसे चोली में पुट ऑन करवा दिया। ब्लू वाला पार्ट था वो ज़्यादा था तो वो मैंने उसे नीचे घेर में रखवा लिया। तो इस तरह से मैंने ये फ्लोर लेंथ अनारकली बनवाया है। आपने अभी तक जितने भी अनारकली देखे होंगे आई थिंक ये थोड़ा सा डिफरेंट अनारकली है जिसमें मैंने दोनों फ्रंट में भी ओपन कट रखवाए हैं और इस तरह से मैंने इसे स्टाइलिश लुक दिया है। कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अनारकली में काफी अच्छा घेर आ गया तो इसमें मेरे पास कम मटेरियल बचा था तो मैंने उसका भी काफी अच्छा यूटिलाइज किया है। उसकी जो ड्रेस है वो अभी तक बनके नहीं आई है। उसकी जो ड्रेस है वो मैंने अपनी बेटी आरवी के लिए एक छोटा सा अनारकली बनवा दिया उसके लिए, वो अभी तक बन के नहीं आया है बट आपके साथ पिक्चर्स जरूर शेयर करूंगी इंस्टाग्राम पे। तो आप मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दूंगी तो जरूर चेकआउट कीजिए। बचे हुए फैब्रिक से आप एक और काम कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा शरारा भी बनवा सकते हैं। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है या आपका डिजाइन जिस तरह से आप पैटर्न बना रहे हो उसमें से अगर कपड़ा थोड़ा सा बच गया है तो आप एक शरारा बनवा सकते हो जिसे आप क्रॉप टॉप के साथ या किसी शॉर्ट कुर्ती के साथ पेयर कर सकते हो। तो इस तरह से आप एक, क्योंकि शरारा अभी काफी ट्रेंड में है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो इस तरह के लुक्स काफी अच्छे लगते हैं तो आप उससे इस तरह की शरारा भी बनवा सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, एक और कुर्ता आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये इस तरह का एक रेड कुर्ता है, मैंने साड़ी से नहीं बनवाया लेकिन एक शर्ट के मटेरियल से मैंने बनवाया है। काफी सॉफ्ट मटेरियल है, ये इस तरह का रेड कुर्ता है। तो इसकी फुल पिक्चर आपको स्क्रीन में नजर आ रही होगी। तो ये एक्चुअली मैंने थोड़ी टाइम पहले भी सोशल मीडिया पे इसकी पोस्ट डाली थी, लोगों ने काफी पसंद किया ये वाला कुर्ता तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने खुद से ही डिजाइन करवाया है, ये एज अ ड्रेस मैंने डिजाइन करवाया है। इसे आप एज अ कुर्ता भी प्लाजो के साथ पेयर कर सकते हो। दिस इज कुर्ता कम ड्रेस, तो ये कुर्ता कम ड्रेस है, आप इसे कुर्ते की तरह भी पहन सकते हो, लेगिंग के साथ, एंकल लेंथ लेगिंग के साथ पेयर कर सकते हो, प्लाजोस के साथ आप इसे पेयर कर सकते हो या एज अ ड्रेस आप इसे पेयर कर सकते हो। कलर काफी अट्रैक्टिव है, फेस्टिवल के हिसाब से कलर काफी सही है। मटेरियल की बात करें तो एकदम मक्खन मटेरियल है। रियली होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। सो दिस इज ऑल अबाउट इन टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।